द्विजपदौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केशरीक्षीणमध्यापुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाद्रोष्टिं चरणवैवयस्माकन्धविन्यस्तहस्तो निधुबन्धसुकुञ्जं जातिराधानिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादिथ चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं पदं धाम जगद्धाम नमामि तत् जय श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाई करि चरण वंदन जहां मित विघ्ननाश अभिष्ट पुरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्रीमन् नित्यानन्द प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गदाधर प्राणनाथ की सुभाष पंडित की सकल आचार चरण की गजरानी राधा रानी की जय जय श्री राधे श्री गिरिंद बिहारी बिहारिणी सरकार की श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय जय श्री राधे निताय गौर हरि कारण करुणा करुणालय श्रीगुरुपा से हम लोगों को जिला पुष्पांजलि के माध्यम से सत्संग लाभ का अवसर प्राप्त हो रहा है। कुष्मांजलि श्लोक संख्या 71 नाना पुष्पै क्वणित मधुपै देवी संभाविताभिर् मालाभिस्त भूषण विलसत कामचित्रालभिश्च राजद्वारे सपदि मदना नन्ददाभिक्षगेः मल्लीजातै शशिमुखि कदा तल्प्यमाकल्पयामि। तुलसी मंजरी प्रिया जी की लीला का स्मरण करते हुए कहती है कि हे शशिमुखी,
हे चंद्रमुखी, कदा अहम क्वणित मधुपै नाना पुष्पै संभाविताभि। क्या मैं कभी क्वणित मधुपै पुष्पों के सुगंध से मतवाले भंवरा गुंजार करते हुए सद्य तद घृष्ण विलसत काम चित्राल ही कुसुमों की मालाओं और प्रसिद्ध कुमकुम से चमकते हुए कामत द्वीपक चित्रों द्वारा जो सुशोभित मदनानंद नामक कुंज में मैं मल्लिका पुष्पों से सैया रचना कब करूंगी। प्रिया जी की इस लीला का स्मरण कर रही है तुलसी मंजरी। कहती है, हे देवी मधुभृंगी, हे ब्रजरानी राधा रानी, जब आप चलती हैं तब आपके गले में जो माला है उस माला के सुगंध से मतवाले होकर के भंवरा पीछे पीछे गुंजार करते हुए जाते हैं। और मादन नामक कुंज में आप मदनानंद नामक कुंज में प्रवेश करती हैं। उस मदनानंद कुंज में ऐसे ऐसे चित्रकारी बनाया गया है जिसको देखने मात्र से कामत द्वीप चित्रों द्वारा और सखी मंजरियां सेवा करती हैं तो ऐसा ऐसा चित्र बनाती हैं जिसको देखने से कामत द्वीप प्रिया लाल के एक दूसरे के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। और मैं आपकी प्रसन्नता के लिए उस मदनानंद कुंज में मैं पुष्प रचना कब करूं। ये तुलसी मंजरी एकांत कुंज में बैठ करके प्रिया जी की इस लीला का स्मरण कर रही है। देखिए सेवा है ना, सेवा तत् सेवा की त्वरा कभी घटती नहीं। सेवा करने के बाद और सेवा करने की उत्साह बढ़ती जा रही है। जब सेवा नहीं मिलती है साधकों को तो चित्त में हाहाकार मचता है, वो सेवा रस क्यों चला गया। जैसे हम लोगों को संसारिक सुख नहीं मिलता है तो मन में तड़पन होता है, कहाँ जाऊँ, कहाँ से प्राप्त करूँ, इतना विषय भोग हमको मिल गया है, इससे और अधिक मिलना चाहिए। वैसे ही सखी मंजरियों के हृदय में नित्य निरंतर नई नई सेवा करने की उत्कट अभिलाषा बढ़ती जा रही है। इस प्रकार जब इच्छा कर रहे हैं उसी समय लीला स्मरण हुआ। क्या लीला स्मरण हुआ? प्रिया जी का रूप कैसा है तो कहते हैं निरूपम, जिसकी उपमा आज तक कोई दे ही नहीं सकता, इतना सुंदर किशोरी जी का है। निरूपम नवगौरी नत कंदर्प कोटी, ये प्रिया जी का रूप कितना सुंदर रूप है तो निरूपम, जिसकी उपमा कोई आज तक नहीं की। अनव्य कंदर्प कोटि, करोड़ों करोड़ों कामदेव के मद को नष्ट करने वाला प्रिया जी का रूप। प्रथित मधुर मोर्मि छालितः श्रीपदार्थ मखान, सुप्रसिद्ध माधुर्य तरंग द्वारा धोई शोभा राशि जिनके पदनख प्रांत है, अर्थात अनंत अनंत ज्योति प्रिया जी के नख से निकल रहा है, ऐसा प्रिया जी का जो नख है वही जो अभिनव रुचि संपन्न पारस्परिक अनुराग से जो आनंदित हो रहे हैं नव जुगल जुगल रत्न राधा कृष्ण, वैसे श्री कृष्ण की, वैसे प्रिया जी की जो एक दूसरे पर उन्मत्त होकर मतवाले होकर कातर दृष्टि से देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उन प्रिया जी का दर्शन करने की मन में हमारी उत्कट अभिलाषा जाग रही है। देखिए महात्माओं की कैसी उत्कट अभिलाषा, प्रिया जी के रूप देखने की कितना उत्कट अभिलाषा, हमें कम मिले कम मिले। कभी कभी तो यहाँ तक कहते हैं जिनके मदन रस विखुरणित नेत्र कमलों के ईषत कटाक्ष से युक्त मुखचंद
प्रिया जी जब प्यारी श्याम सुंदर की तरफ देखती हैं तो कैसी देखती हैं, तो मदन रस विगुरणित नेत्र, नेत्र कमल के ईषत कटाक्ष से युक्त मुख चंद सलज नम्रता से अति सुंदर हो गए। मदा घूर्णन नेत्रन, प्रिया जी का कैसा नेत्र है, तो मदा घूर्ण नेत्र। मिथो भंगी कोटि प्रवह तनुरागा मृत वसो, प्रियालाल के जब दृष्टि एक के साथ मिलता है तो मिलने के बाद जो रस निकलता है वह रस सारा संसार को सारा भोग कर देता है। जितने भी रसिक महापुरुष हैं, मदा घूर्णन नेत्र, मिथो भंगी कोटि प्रवह तनुरागा मृत वसो, एक दूसरे के मिलन के बाद जब इनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, नव जुगल रत्न राधा कृष्ण को ब्रज भूमि में, मैं वैसे श्री राधा कृष्ण को देखने की अभिलाषा कर रही हूँ। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावन, वो भगवान कैसा है, तो रम्या काचित उपासना बरगधु वर्गेण जाकर। हम लोगों का आराधक कृष्ण है, कौन कृष्ण, जो मदा घूर्णित नेत्र से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। प्रियालाल एक दूसरे को देख करके जो उनके हृदय में भाव का तरंग उद्वेलित होता है, प्रकट होता है, उसी मादन रस से सराबोर प्रिया जी को देखने की मैं अभिलाषा कर रहे हैं। ऐसा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, प्रार्थना के तरंग में उनका चित्त लीला राज्य में चला गया। प्रिया जी का लीला चिंतन करते करते उनका मन किशोरी जी के चरण कमल में चले। अजो विचक्षण सुख के निर्देश के अनुसार अभिसारिका उत्कंठावती होकर के राधा रानी अभिसार करने के लिए चल देती है। कहाँ जा रही हैं, तो मदन सुखदा कुंज की ओर तीव्र गति से चल रहे हैं, क्योंकि प्यारे श्याम सुंदर विचक्षण सुख पक्षी से ये संदेश भेज दिए। तो श्याम सुंदर की सुख स्मृति में स्वामिनी सब भूल गई, अपनी स्थिति को भूल गई हैं और प्यारे श्याम सुंदर के लिए चल देती हैं। अब देखिए इतनी बिहवला होकर के प्रिया जी चल रही, उनका पैर कहाँ पड़ रहा है पता नहीं चल। एक आचार्य हैं राधा मोहन, वो कहते हैं प्रिया जी जब श्याम सुंदर से मिलने के लिए चलती हैं तो कैसे चल रही, देखो राई करत अभिशाप, प्रिया जी अभिशाप कर चल रही। श्री से कुसुम जिनी कोमल पद तक, प्रिया जी का कैसा अभिशाप है, श्री से पुष्प के समान जिनका कोमल पद तल है, प्रिया जी का चरण कमल कैसा है, तो बिल्कुल अति कोमल, पुष्प से भी अधिक कोमल, शिशिर कुसुम जिनी कोमल पद तक, अब विपथे पड़त अनिवार, अब प्रेम में तो ये दिखता नहीं कहाँ पैर रख रहे हैं, कांटा पर, कंकड़ पर, कंकड़ीली पथरीली जमीन पर, कुश पर, प्रेम के आवेग में चल रहे हैं। संभय भेष भूषण भूषित तनु सखीगण संघई में, तो प्रिया जी के साथ जितनी भी सखी सहचरियां हैं, प्रिया जी के साथ धीरे धीरे वे लोग भी चल रही, कैसे चल रहे, प्रिया जी का चाल तो देखो, प्रिया जी का गज गामी चलती, ओ हाथी का चाल देखे हम, वो लगता है कि उसको संसार से कोई चिंता मत, गजराज की तरह चाल, श्री कृष्ण की वैसे ही चाल, गजराज जैसे, राधा रानी भी की वैसी चाल है, गज गामिनी, गज की तरह, हाथी की तरह चलते, अर्थात गज गति निंदी, गजराज की गति को भी निंदा करने वाली प्रिया जी की वो माधव चाल है। श्याम सुंदर के साथ मिलने के लिए जाती, गमन सुमंथर किए जित खंजन के, उस समय उनकी दृष्टि कैसी है, तो चंचल दृष्टि है, किस रास्ते से जाऊं, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, खंजन पक्षी के तरफ उनका नेत्र है और प्रिया जी चल रही,
कैसे चल रहे हैं, जो थल कमल परस अति कोमल। प्रिया जी का चरण कमल कैसा है, तो स्थल कमल के पुष्प को भी निंदित करने वाला, अर्थात इतना कोमल है कि पुष्प भी उतना कोमल नहीं हो सकता। पारिस परसत क्षमाभ्याम मृजित अकरुजो जो हरिंद्रानुजाभ्याम। भागवत में लिखा गया है कि श्री किशोरी जी का कैसा पैर है, तो कहते हैं कि पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पद्म से भी अधिक कोमल जीव का चरण कमल। वो किशोरी जी चल रही झामन भाई उपचर, चलते चलते प्रिया जी का जो कोमल कोमल लाल लाल पुष्प जैसा जिनका चरण कमल है वो बिल्कुल झामर हो गया, काला पड़ गया, कृष्ण के लिए चल रही ऐसी स्थिति हो गई। सो जब जहां तहां कठिन धरणी महा धरत भई विषंग, वह श्री कृष्ण प्रेम में उतावली होकर के कैसे चल रही हैं, तो जहां तहां अपना पैर रखती ओ क्षण भांति मिलल बर नागरी कुंज महा चले गए। देखो भाई, बिना कठिनता से तो भगवान मिलेंगे नहीं। भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए, तो त्याग वैराग, सारा संपत्ति को, अपने कष्ट को, अपने सुख को सब त्याग कर देंगे। हे राधा मोहन उल्लसित लोचन आनंद सागरे गुरुगे, आनंद के सागर में ये महापुरुष डूब गए। ये प्रिया जी चल रहे विचार। भागवत में भी गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के चलन को देख करके, हे श्री कृष्ण आप जब चलते हैं गोचारण करने के लिए तो यह सुन करके ही हमारा मन बेहोश हो जाता है। कलिलता मन कांत गच्छत, ये भागवत में है। चल सी जद ब्रजाचारयन पशून नलिन सुंदरम नाशते पदम। ये भागवत में है ऐसे। चल सी जद ब्रजाचारयन पशून। हे नाथ हे कांत, जत पशुन चारयन ब्रजा चलसी, जब पशु को चराने के लिए ब्रज से चलते हैं, कौन चल रहा है पशु चराने के लिए, तो ते नलनी सुंदरम पद, आपका जो चरण कमल कैसा है, तो पुष्प की भी नम्रता को मादित करने वाला है, अर्थात नलिन सुंदरम, कोमल कोमल कमल के फूल से भी अधिक कोमल जो आपका चरण कमल है, वह चरण कमल चलता है। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। कैसे चलते हैं, कहाँ अपना पैर रखते हैं, तो भगवान जब चलते हैं तो जूता चप्पल नहीं लगा कर सकते, कंकड़ीली पथरीली जमीन है, नंगे पैर चल रहे हैं, और पैर कहाँ पड़ रहा है उनको भी पता है। कैसे शिल त्रिडाकुरई सीदती तिना कलिलता मन कांत गच्छति। त्रिडाकुरई आपका पैर कहाँ पड़ रहा है, तो कुश पर, घास पर, शील पर, कंकड़ पत्थर पर रहा। यह सोच करके सीधती थी न सीधती, हमारा हृदय बड़ा कष्ट पाता है। मन कलिलताम गच्छति, मन में झगड़ा हो जाता है। कलिलता गच्छति माने कि झगड़ा हो जाता है मन में। मन में क्या झगड़ा हो जा रहा है, मन कहता है, मन में, अपने मन में कलिलता मन कांत गच्छति। श्री कृष्ण के कोमल चरण कमल गैया चराने के लिए जब जंगल में चलते हैं
और उनका कोमल चरण कमल कांटा पर पड़ेगा, कुश पर पड़ेगा, कंकड़ पत्थर पर पड़ेगा, यह सुन के हमारे मन में झगड़ा हो जाता है। कलिलता माना कलिलता का अर्थ होता है कलह हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। क्या झगड़ा हो जाता है? तो मन कहता है कि वो कृष्ण को चारण करने के लिए क्यों जा रहा है, जा रहे हैं तो जूता चप्पल लगा कर जाते, ऐसे कैसे जा रहे हैं जंगल? तो मन में आ जाता है कि ये ठीक काम नहीं, इनको अच्छा नहीं, ये काम अच्छा नहीं, इनको नहीं यही रहना चाहिए, इनको चारण नहीं करना चाहिए। क्यों जाते हैं भगवान से किसी को चारण करने? तो एक एक मन कहता है कि नहीं नहीं ये जाते नहीं, जाएंगे तो वो भगवान इतना मूर्ख थोड़े, कोमल कोमल एकदम बालू पर अपना पैर रखते हुए ठंडा ठंडा जाते होंगे। तो फिर मन कहता है कि क्या गैया बालू खाएगी? बालू पर क्यों चलेगी? गैया तो जंगल में घास फूस में चलेगी, और जहाँ गैया जाएगी वहाँ जाना पड़ेगा। एक मन करता है कि सुंदर राजपथ कोमल कोमल बालुओं से बिछा हुआ जो राजमार्ग है उस पर श्री कृष्ण जाते होंगे। तो दूसरा मन करता है कि गैया चराने गए हैं तो राजमार्ग पर क्यों जाए? गाय चराने वाला तो जंगल में चलता है, जहाँ जहाँ घास रहता है वहाँ जाएंगे। तो फिर मन कहता है क्या वो पागल है कि कांटे पर पैर रखेंगे, सील त्रिड़ पर पैर रखेंगे? ऐसा मन करता है। तो फिर मन कहता है, दूसरा मन क्या कह रहा है कि अरे चलेंगे तो कांटा पत्थर देख कर चलेंगे, ऐसे थोड़े अपना पैर कहीं रखते। फिर मन करता है कि जब गैया भागने लगेगी इधर उधर ले जाना है तो गाय को देखेंगे कि पैर को देखेंगे? मन में कलील काम मना अकांत गच्छे। ये गोपियां कहती हैं कि यह सब बात सुन करके हमारे मन में कलीलता हो जाती, क्या करें? तब मन करता है कि अरे तुम लोग उनकी चिंता करके दुख भोग रहे हैं तो भोग, तुम लोगों के भाग में दुख ही मिला है, दुख भोग। तो मन कहता है कि फिर मन कहता है तुम लोगों को भोगना है भोगो, हम तो शरीर को छोड़कर चले जाए। इस तरह मन में झगड़ा होता है। आचार्य लोग कहते हैं कलिलता मन कांत गच्छति। एक आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ पर शशि मुखी क्यों कहा गया? श्री कृष्ण का अरे प्रिया जी के मुख को शशि मुख क्यों कहा गया? तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मादन कुंज में बैठे हुए हैं। अब मादन कुंज में जब बैठे हैं तो उसी समय प्रिया जी को जब देखे तो प्यारे श्याम सुंदर प्रेम में विह्वल होकर के प्रिया जी को पकड़े, दोनों एक दूसरे से लिपट गए। प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के आंख को देख करके, इनकी आंख में कितना प्यार है, इस प्यार को देख करके प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के नेत्र पर चुंबन किए, और नेत्र पर जब चुंबन किए तो नेत्र का जो काजल है श्याम सुंदर के ओठ पर लगा, और उसी ओठ से जब कपोल पर चुंबन किए तो कपोल पर काला पड़ा प्रिया जी। इसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि हे शशि मुखी, अर्थात ये चंद्रमा कलंकित चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा सुंदर है लेकिन उस पर काला काला धब्बा लगा हुआ है, वैसे ही प्यारे श्याम सुंदर प्रेम में उन्मत्त होकर के अपने ओठ का काजल, आंख का काजल ओठ में लगा, वो ओठ कपोल पर लगा, इसलिए तुम्हारा मुख कलंकित चंद्रमा जैसा लगा है शशि मुखी। आपका मुख कैसा है? तो शशि मुख। प्यारे श्याम सुंदर जब प्रिया जी को देखते हैं, देखते ही क्या मन में आता है, किम कांते कुल देवता किम उद्वा तारुण्य लक्ष्मीरियम। देखिए प्रिया जी के रूप को देख करके प्यारे श्याम सुंदर के मन में क्या क्या हो रहा है। गोविंद लीला नृत्य में कहते हैं एक कांति की कुल देवी है, श्याम सुंदर मन में सोच रहे, अथवा तारुण्य की लक्ष्मी है,
यह देहधारियों की मधुर संपत्ति है और क्या ये क्या लावण्य की वन्या है, समुद्र है, आनंद तरंगनी है, अमृत का स्रोत है, अथवा मेरी इंद्रियों को आनंद देने वाला क्या मेरी कांति, मेरी कांता ही आ गई, मेरी प्रिया जी ही आ गई। अनुरागिणी श्रीमती श्याम माधुरी का दर्शन कर विस्मृत है, जिनके लिए इतने अनुराग से भरी आई है, क्या वही है, वही मेरी प्रिया है क्या? इस प्रकार प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के रूप को देखकर उनके मन में अनेक प्रकार के उत्कट अभिलाषा जागने लगती है और प्रिया जी की भी वही स्थिति हो जाती है। प्रिया जी कहती हैं, श्री कृष्ण को देख करके कहती हैं, क्या एक कंदर्प है, अयम किम कंदर्प, यह क्या कामदेव कंदर्प है? तो मन में प्रिया जी कहते हैं, नहीं कामदेव का तो शरीर होता नहीं, वो तो प्रत्येक प्राणधारियों के शरीर में रहता है, उसका शरीर तो नहीं है। न सखलो वितन, तब क्या साक्षात रसराज है? तो कहते हैं नहीं, रसराज तो साहित्य का है, रस वो तो धर्म है, धर्मी तो है नहीं, तो क्या ये अमृत का सागर है? तो कहते हैं ना ना, ये सागर तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो छोटा सा दिख रहा है, तो क्या ये हमारे प्यारे हैं, प्यारे श्याम सुंदर हैं? इतना कह करके प्रिया जी छाती पीट करके गिर गए, नहीं नहीं, मैं इतनी भाग्यशाली नहीं हूं कि हमारे प्यारे हमारे पास आ जाए। तो देखिए इस तरह प्रिया लाल का नित्य निरंतर उत्कट प्यार चलता रहता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, ये भगवत दर्शन की जो उत्कट अभिलाषा है, ये जब तक इच्छा नहीं होगी, जैसे देखिए श्याम सुंदर के मन में भी प्रिया जी से मिलने के लिए कितनी भारी उत्कंठा है, और श्याम सुंदर को और फिर प्रिया जी को श्याम सुंदर दोनों को लगा हुआ, दोनों एक दूसरे से कितनी इच्छा कर रहे हैं, और जब तक ये उत्कट अभिलाषा मन में नहीं उठता है, तब तक भगवान का दर्शन बड़ा मुश्किल है। भक्तमाल में कथा है कि एक महात्मा ऐसे ही कथा, एक राजा कथा सुन रहा था, और भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी को सुन करके पागल हो, और पंडित जी को पकड़ लिया, कहा तो भगवान मिलेगा कहाँ, हमको एक बार दर्शन जरूर करना। तो पंडित जी कहे कि वृंदावन में मिलता, तो वो राजा अपना घर द्वार छोड़ करके आ गया वृंदावन, और वृंदावन आकर के सबसे पूछने लगा, कन्हैया कहाँ रहता है, कन्हैया कहाँ रहता है? तो वो लोग सोचे कि कन्हैया किसी का नाम है, तो पूछे कि कौन कन्हैया, यहाँ तो हजारों कन्हैया नाम के आदमी है, कौन कन्हैया? तो कहे कि वो पीताम्बर पहना है, सांवला शरीर है, मंद मंद मुस्कुराता है, बंसी बजाता है। तो कहे कि अरे अच्छा, बिहारी जी में जाने, बिहारी जी में चले, तो बिहारी जी में गया, तो अरे हम मूर्ति देखने थोड़े आए, हमको तो कहा वृंदावन में ऐसे प्रकट होकर मिलते हैं। फिर वहां से गया दूसरी जगह, पूछा कन्हैया कहाँ मिलेगा, तो एक ठग वृंदावन में, तो ठग बहुत हैं, कन्हैया का नगरी है तो ठग की तो कमी ना है। तो एक ठग देखा कि इतना सुंदर राजा महाराजा, कितना सुंदर मणिमय आभूषण पहना हुआ है, सुंदर कपड़ा पहना है, तो उसने आया, वो आया और आकर के कहा आजा आजा, हम भगवान को बताते, बोलो क्या, मुझे पता है भगवान, तो उसको पकड़ कर ले, ले जाकर के जमुना जी ले, जमुना जी में ले करके कहा कि देखो यहाँ पर सब कपड़ा गहना निकाल कर रख दो और जमुना जी में स्नान, और जमुना जी में स्नान करके लंगोटी पहन करके आसन लगा करके ध्यान करो, मिल जाएगा, जब मैं कहूंगा तब आप खोल दो, अपने साथ मत खोल देना। तो कहा ठीक है, उसको निष्ठा थी कि भगवान मिले। आओ राजा आया और आकर के सारा अपना कपड़ा सोना का चैन सब निकाल करके रखा,
लंगोटी अपना पकड़ कपड़ा पहन करके स्नान आ करके कहा कि यहाँ पर बैठ जाओ, ध्यान लगा आँख मुँह, खबरदार जब तक मैं नहीं गया तब तक आँख खोलना नहीं, और आँख मुँह करके ध्यान करने लगा। आए ठग तो था ही, जितना कपड़ा के पोटरी बना लेकर चला, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन हो गया आँख खोला नहीं, बैठे रहा। गुरु जी का आदेश हुआ है कि जब तक मैं न हो तो आँख खोलना नहीं। और प्रियालाल वृंदावन में नित्य विहार करते हैं, कोई ऐसा प्रेमी हमारे दर्शन के लिए और ठग का बात मान लिया, तो श्यामा श्याम तो यहीं रहते हो तो कहीं जाते नहीं। तो श्याम सुंदर प्रिया जी से कहते हैं कि हमारा एक बहुत प्रेमी भक्त है, वो पांच दिन हो गया है अपना आँख खोल नहीं रहा, खाया तो पानी पिया और मेरा इंतजार कर। देखिए कितनी भारी निष्ठा भगवान में। तो प्रिया जी कहे कि आप जाओ देखो, तो भगवान अकेले कैसे जाए, नारद जी को साथ में ले। नारद जी के साथ आए और नारद जी आकर के कहे अरे तू आँख खोल, भगवान आ गए। तो उसको नया नया शब्द सुनाई दिया, कहा कौन है। गुरु जी कहे थे कि मैं खोल, मैं कहूंगा तब खोल, मैं कौन आ गया। वो पूछा कौन है, अरे मैं नारद जी हैं, भगवान सामने खड़े हैं, आँख खोलो दर्शन करो। तो वो राजा कह रहा है कि ना ना मैं तो आँख खोलने वाला नहीं, गुरु जी कहे थे कि मैं कहूंगा तब आँख खोलना। तो नारद जी तो बड़ा चक्कर में पड़ गए, भगवान यहाँ खड़े हैं मैं आ गया हूँ, ये आँख खोलता नहीं है, क्या बात है। तो कहा कि नहीं कुछ भी हो भगवान आए चाहे आप आए, हमको कोई, हमारे गुरु जी जब कहेंगे तब आँख। तो नारद जी बहुत चक्कर में पड़ गए क्या किया जाए। तो भगवान कहे कि जाओ उस ठग को लेकर आ जाओ। तो वो कहाँ ठग मिले, अब नारद जी ठग को खोलते चलो चलो। हाँ देखो प्रेम कितनी उत्कट है, विश्वास यदि हो तब तो ठग का खोज नारद जी कर रहे। बड़े बड़े महात्मा खोजते हैं कि नारद जी मुझे मिल जाए, अब नारद जी खोजने लगे उस ठग चारों तरफ। तो देखे कि एक जगह ठगी काम कोई ठग ठग ही करे और क्या करे, कहीं ठग कर रहा है कहे इधर ना सुन, जिसको तो आंख बंद करने के लिए कहा था जब उसको कहो खोलने के लिए तो डर गया, क्या तो हमारी पोल खुल गई सारा सामान लेकर भागा हूँ, आज तो पिटाई लगेगा लगता है। नारद जी कहे चलो चलो वहाँ, अब पकड़ कर नारद जी लाए, कहे कि कहो खोलने के लिए। वो जब ठग कहा तो आँख खोला तो देखा कि साक्षात भगवान सामने खड़े हैं और ठग भी सामने, तो भ्रम